हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज देखिए, हम ईटीटी 1994 के कैडर के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आज हम डिस्कस करेंगे। और ये मुद्दा देखिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट का तो अभी तक ध्यान भी नहीं है। और इवन मैं कहूँगी इस मुद्दे के ऊपर आज से काफ़ी टाइम पहले डिस्कशन हो चुकी होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुई। और ये जो बात है ये पूरे काडर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि अभी कहीं ना कहीं जो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, कौन कौन से ग्रुप्स कैसे बने हुए हैं आप सबको पता है। बट अभी जो मैं मुद्दा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ये मुद्दा आप सभी के लिए, हर एक कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक उस कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है जिसने ईटीटी 1994 का एग्जाम दिया है, जिसे ये है कि मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे एज ए ईटीटी कैडर में, मुझे एज ए टीचर मुझे ज्वाइन करना है। हर एक कैंडिडेट के लिए ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए जैसे मैंने बताया कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है, और यहाँ पे ये बात देखिए ऑब्वियस भी है, रीजन बिंग कि अप्रोक्सीमेट 6,000 कैंडिडेट का ये पूरा परिवार है, और 6 के 6,000 कैंडिडेट एक जैसी बातें सोचे, एक जैसे उन सबके विचार हो, एक जैसी ही कह सकते हैं उनका इंटरेस्ट हो, ये पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं हो सकता। बट ऐसे में जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दे है, जो कहीं ना कहीं पूरे काडर के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। हमें कहीं ना कहीं प्रियोरिटी बेस पे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा तवज्जो इन्हीं मुद्दों को देनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए अभी जो 28 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ, अच्छी बात है कि बहुत अच्छे तरीके से आप सबका एग्जाम कंडक्ट हुआ और आप सभी ने आंसर की भी चेक कर ली होगी। और उम्मीद है कि आप सभी ने जो हार्डवर्क किया था, अपने हार्डवर्क के अकॉर्डिंग आपका स्कोर भी आया होगा। तो ऐसे में देखिए अभी क्या है कि काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मतलब उनके अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे वो बात कर रहे हैं। बट ऐसे में अगर देखिए हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दे डिफरेंट डिफरेंट है, सभी कैंडिडेट की अपनी कुछ बातें हैं। कोई सिंगल लिस्ट की बात कर रहा है, कोई 3,000 की लिस्ट बात कर रहा है, कोई लो मैरिट, कोई हाई मैरिट, मतलब अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग बातें। और ये देखिए बात ये नहीं है कि कौन सा ग्रुप क्या बात कर रहा है, बात ये है कि पूरे काडर के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, इस टाइम काडर को जरूरत किस चीज की है। और जो अभी जो मुद्दा मैं अभी आपको जो बताऊंगी, ये मुद्दा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे काडर के लिए बेनिफिशियरी है। जो मुद्दा मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ये मुद्दा तो जैसे ही आपका एग्जाम ओवर होता है, यानी कि 28 जुलाई को जैसे ही जो पेपर है वो कंडक्ट होता है, मतलब पेपर हो जाता है, उसके जस्ट बाद ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए था, जो कि अभी तक उठाया नहीं गया। और जो ये बात, या फिर कहे तो ये जो पूरे काडर की तरफ से ये डिमांड है, ये अब तक तो डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी होनी चाहिए थी कि कैंडिडेट की ये डिमांड है। हम काफी लेट हो चुके हैं, पर फिर भी अभी भी हम ये कहेंगे कि अगर अभी भी पूरा काडर इस चीज को अच्छे से ले, अच्छे से कहीं ना कहीं यूनिटी के साथ काम करे, तो इस टाइम इस मुद्दे को उठाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये है कि आपको अगस्त एंड तक लिस्ट चाहिए, आपको ये है कि अगस्त एंड तक आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो कि सबसे पहले पूरे काडर को रखनी चाहिए। अब देखिए मुद्दा समझिए, मुद्दा क्या है। अभी आपकी जो पेपर के जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है, नेक्स्ट आपकी जो रहेगी वो रहेगी आपका रिजल्ट। रिजल्ट भी होप सो नेक्स्ट 3 to 4 days में, हो सकता है कि 1 week में आपका जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। वो तो देखिए रिजल्ट तो जारी होना ही है, हो जाएगा। उसके बाद क्या है, काफी कैंडिडेट के माइंड में ये है कि जैसे ही बस आपका जो जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, उसके बाद बस जल्दी से जो ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी, और एंड तक क्या हो जाएगी, अगस्त एंड तक आपकी जो लिस्ट वगैरह है वो सब आपके सामने रख दी जाएगी। बहुत से कैंडिडेट के माइंड में ये बात है, पर आपको यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि रिजल्ट आने और ज्वाइनिंग तक के बीच में, या फिर कहे तो रिजल्ट आने और जो फर्स्ट लिस्ट जारी होने के बीच में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक कह सकते हैं स्टेप रहेगा पूरी रिक्रूटमेंट में। देखिए क्या होगा कि जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के साथ ही एक नोटिस डाल दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है कि आप में से काफी कैंडिडेट को ये लग रहा हो कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट की होगी जो अभी न्यू कैंडिडेट ऐड होंगे, और बहुत से कैंडिडेट के माइंड में यही बात है इस टाइम। तो देखिए ये मुझे एक बात बताइए आप कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस डाला जाएगा, अगर डिपार्टमेंट ने
नोटिस डाल दिया कि हम सभी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से करवाएंगे, फिर क्या करोगे आप? और ये एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है। आप पीछे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी आप उसको उठा के देख सकते हो कि जिस दिन रिजल्ट आता है, रिजल्ट से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की पूरी जो प्रोसेस है वो एक कह सकते हैं 1 महीने की प्रोसेस है। 1 महीना मतलब पूरा का पूरा महीना चला जाएगा इस चीज में। अब बहुत से कैंडिडेट को ये लगेगा कि मैम आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो, मैम ऐसे कैसे हो सकता है। मैं देखिए सबसे पहली बात तो जो कैंडिडेट ये सोचते हैं कि डीमोटिवेटिंग थिंग है, तो सबसे पहले तो देखिए आप इस चीज को छोड़ दीजिए। अब बहुत हो चुका है, 2 साल हम लोगों ने सिर्फ इसी मोटिवेशन और डीमोटिवेशन के बीच में निकाल दिए। कम से कम अब तो सोचिए कि काडर के लिए क्या तो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और आप किसी बात पे विश्वास मत करते हुए भी आप एक बार ईटीटी काडर की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। पिछले 2 साल में आप मुझे एक भी चीज ऐसी बता दीजिए कि जो आपने सोची नहीं थी कि आपके लिए इतना कुछ अच्छा हो जाएगा और वो अच्छा हुआ हो। इवन हम लोग सोचते हैं कि इस बार कुछ अच्छा होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, और हमें रिवर्स में हमें नेगेटिव चीज ही देखने को मिली है। पॉजिटिव तो बहुत दूर दूर तक हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। जो कुछ हुआ है वो अपने आप हुआ है, न तो कोई प्रेशर है किसी तरह का, न कोई दबाव है, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। पर ऐसे में अभी देखिए, अभी ये इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है ये इसके ऊपर बात करनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से कैंडिडेट ये कहेंगे कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब हमारी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो चुकी है, अब हमें दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्यों बुलाया जाएगा? तो मेरा उन कैंडिडेट के लिए एक ही जवाब है, आपका तो एग्जाम भी पहले हुआ था, फिर एग्जाम क्यों दोबारा से दिया आप लोगों ने? आपने फीस भी पहले सबमिट की थी, फिर फीस दोबारा से क्यों ली गई कैंडिडेट से? दोबारा से सब कुछ हुआ है ना, तो अभी ये भी हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% ऐसे ही होगा कि सबकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगी, पर सोच के देखिए कि जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद डिपार्टमेंट को 1 मिनट भी नहीं लगने नोटिस डालने में कि सभी कैंडिडेट दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आए, पर हमारा तो पूरा महीना निकल जाएगा, उसका क्या होगा फिर? हमें इसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस टाइम कि इस चीज को उठाया जाए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट की हो जो कि न्यू कैंडिडेट ऐड होंगे, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, वरना ऑलरेडी जिन कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है उन्हें फिर से वेरिफिकेशन पे बुलाने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता अगर इस रिक्रूटमेंट को हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना है तो। अगर एक बार डिपार्टमेंट ने नोटिस निकाल दिया कि सबकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी फिर से होगी, तो फिर आप खुद सोच के देखिए जिस दिन नोटिस आएगा उससे 10 दिन बाद तो स्क्रूटनी स्टार्ट होगी, कहे तो अगस्त एंड में आपकी स्क्रूटनी स्टार्ट होगी, उसके बाद सितंबर में तो आपकी स्क्रूटनी होती रहेगी, उसके बाद जो कैंडिडेट रह जाएंगे उनके लिए हफ्ता 10 दिन बाद फिर से एक नोटिस निकाला जाएगा कि जो कैंडिडेट रह गए हैं वो फिर से आइए डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे। और ऐसे करते करते देखिए फिर डिपार्टमेंट लिस्ट भी बनाएगा और उसके बाद भी मतलब आपको पता है कि बहुत सी प्रोसेस है वो रह जाएगी। ऐसे में आप खुद सोच के देखिए ये अल्टीमेटली ये प्रोसेस 2 महीने में कंप्लीट नहीं होगी इन लोगों से। 2 महीने भी मैं कह रही हूँ कि मान के चलिए 2 महीने में इनसे कंप्लीट नहीं होनी रिक्रूटमेंट। और ऐसे में जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त में रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो, इस तरह से कंप्लीट नहीं होगी। कि रिक्रूटमेंट को कंप्लीट न करने के बहुत सारे बहाने हैं, इन्होंने ऑलरेडी एग्जाम और फीस दोबारा से लिए, सब कुछ दोबारा से वेरिफिकेशन भी करवा देंगे ये, क्योंकि न करने के बहाने हैं बस। और डिपार्टमेंट पे अगर कोई प्रेशर नहीं होगा तो वैसे ही फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी जो कि बिल्कुल भी कार्डर के लिए सही नहीं है। अब आप खुद सोच के देखिए ये ऐसे करते करते 2 मंथ्स ही निकाल देंगे और ऐसे में कोई ना कोई हर्डल इस दौरान नहीं आएगी, रिक्रूटमेंट पे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी फिर कौन देगा? गारंटी पहले भी नहीं दी गई है और आगे भी कौन देगा? फिर क्या करोगे? अब देखिए इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जल्द से जल्द डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाई जाए, डिपार्टमेंट के सामने ये मांग रखी जाए और डिपार्टमेंट से एश्योरेंस ली जाए कि वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट की वेरिफिकेशन करवाएगा जो न्यू ऐड होंगे, ताकि 2 से 3 दिन में वेरिफिकेशन हो सके और अगस्त एंड तक जो लिस्ट है वो जारी की जा सके। क्योंकि अगर एक बार देखिए लिस्ट अगर डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी कर दिया तो उसके बाद तो एक पूरा नोटिफिकेशन एक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि ये जो डिमांड है ये अगले 2 से 3 दिन के अंदर इस पे एक्ट किया जाए, इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। डिपार्टमेंट तक ये डिमांड अगले 2 से 3 दिन के अंदर पहुंचनी चाहिए, तभी देखिए कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अदरवाइज तो डिपार्टमेंट जैसे ही रिजल्ट जारी करेगा उसी के साथ ही शेड्यूल जारी कर देगा और उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। आप फिर भूल जाइएगा कि अक्टूबर नवंबर कब जाके आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी। और फिर देखिए अब आपको भी पता है कि भर्ती को खराब करने के लिए कितने सारे कैंडिडेट है जो कि बिल्कुल डेडिकेटेड है, और इन 2 से 3 महीनों के बीच में कोई भी गलत नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव चीज देखने को नहीं मिलेगी, इसकी फिर कोई गारंटी नहीं है। तो
तो जरूरी है कि हम इस चीज पे फोकस करें। और ऐसे में देखिए अब ना कोई कैंडिडेट ये मैसेज प्लीज मुझे ना करे कि मैम आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो, ये है वो है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिए, ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकती है, और कल को जब ये चीज हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो जरूरत है कि अभी हम नेक्स्ट कमिंग 3 to 4 days के अंदर ही इसके ऊपर कुछ एक्शन ले, इसको कंप्लीट करे। अदरवाइज तो देखिए जो होना है फिर आपको पता ही है, क्योंकि देखिए अगर एक बार लिस्ट जारी हो जाती है तो उसके बाद कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इवन मैं अपनी खुद की बात कर लेती हूँ, मुझे खुद को डर है कि अगर एक बार डिपार्टमेंट ने फिर से वही शेड्यूल जारी कर दिया तो रिक्रूटमेंट पे कहीं ना कहीं रिस्क है। इसलिए जरूरी है कि इस टाइम हम इस चीज पे फोकस करें, क्योंकि रिक्रूटमेंट हमें कंप्लीट करवानी है, हमें रिक्रूटमेंट को लंबा नहीं खींचना है, हमें 24 में ही ज्वाइनिंग लेनी है, 25 तक नहीं जाना है। और उसके बाद देखिए जो भी कैंडिडेट है, मैं तो पूरे काडर को कह रही हूँ कि पूरा काडर इस चीज के लिए साथ आए, और जिन लोगों ने देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है पूरे काडर की, मेरा उनसे भी है कि सामने आके अच्छे से टू द पॉइंट बात की जाए, काडर के सामने अच्छी से हर चीज को रखा जाए, और जो डिपार्टमेंट के सामने पूरे काडर के लिए जो सही है वो डिमांड रखी जाए। वरना देखिए आप चाहे बोरिया बिस्तर उठा के कहीं भी धरना लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई नहीं सुनेगा, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होगी। पीछे आपने देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप सबको पता है, बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स देखने को मिला है, और आगे भी हमें कोई रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो फिलहाल जो चीज हमारे बस में है हम उस पर फोकस करें, उस चीज पे ध्यान दें ताकि कुछ पॉजिटिव हमें देखने को मिले। और इसके अलावा भी देखिए एक बहुत एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे पे मैं आप लोगों के साथ एक और बात करना चाहूंगी। अब देखिए बात ये है, बात है कैंडिडेट की आपसी लड़ाई की, कि कैंडिडेट की जो आपसी जो गुटबाजियां चल रही है, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं अपनी खुद की बात कर लेती हूँ, मुझे काफी कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि मैम आप शायद पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को पसंद नहीं करते, आप पर्टिकुलर ग्रुप्स को टारगेट करते हो। तो सबसे पहली बात तो देखिए मैं आप सबको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि किसी भी व्यक्ति विशेष से या फिर किसी भी कैंडिडेट से मेरी किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है, कोई जमीनी लड़ाई नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, किसी तरह का कुछ भी नहीं है। मतभेद है, और मतभेद क्यों है, वो उस हर एक इंसान के साथ मतभेद है जिन्होंने काडर के लिए अच्छे काम नहीं किए, या फिर जो काडर को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जो काडर को झूठ बोलते हैं, या फिर जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, उन सबके साथ है। बट इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि हमारी किसी के साथ लड़ाई है, किसी के साथ मतभेद है, बस मतभेद तक की बात है, लड़ाई किसी के साथ कुछ भी नहीं है। और अब भी देखिए बात बता देती हूँ मैं कि जो काडर के लिए फेवरेबल काम नहीं करेगा, जो काडर के लिए अप्रोप्रिएट स्टेप नहीं लेगा, उनके मैं पहले भी खिलाफ बोलती हुई आई हूँ, आज भी खिलाफ बोलूंगी और कल भी खिलाफ बोलूंगी। जो काडर के लिए अच्छा काम नहीं करेगा उसे क्रिटिज्म फेस करना ही होगा। और अगर जो कैंडिडेट काडर के लिए फेवरेबल काम करेगा, अगर आप कोई भी किसी भी तरह का ऐसा काम करते हो जिससे काडर को बेनिफिट हो, तो उसके साथ भी हम उसको सपोर्ट भी करेंगे, वो बधाई का पात्र भी है। बट अगर आपको ये लगे कि नहीं जी हमें तो सिर्फ बधाई ही मिले, हमें तो हमेशा अच्छा सुनने को ही मिले, तो देखिए ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, किसी भी हाल में ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि आप सामने आते हो कोई काम करते हो हर एक इंसान आपकी तारीफ ही करे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ हमेशा एप्रिसिएशन ही चाहिए, मुझे तो बस अच्छा ही सुनना है, तो देखिए सिंपल सी मेरी बात है, आपको किसी ने इनविटेशन देके यहाँ पे नहीं बुलाया, किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया कि आप आओ आगे आके ये काम करो। अगर आप में हिम्मत नहीं है अपनी कह सकते क्रिटिज्म को सुनने की, अपनी जो कमियों को सुनने की, तो अपने घर बैठिए और ज्वाइनिंग का वेट कीजिए, बस सिंपल सा यही सॉल्यूशन है। अगर आपको ये लगता है कि हमें तो सिर्फ हमेशा तारीफ ही सुननी है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। कैंडिडेट आपको आपकी कमियां भी बताएंगे, और जब आप अच्छा काम करोगे आपकी अच्छाई भी बताई जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि 4 कैंडिडेट 6,000 कैंडिडेट का फ्यूचर क्या होगा, ये डिसाइड नहीं कर सकते, न तो उन्हें राइट है इस चीज का और न हम राइट देंगे। सिंपल सी बात है कि कार्डर के लिए आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके लिए मेजोरिटी ऑफ कार्डर की राय ली जाए, मेजोरिटी ऑफ कार्डर से पूछा जाए कि आगे हमें क्या करना है, और जो कार्डर कहे उसके अकॉर्डिंग आगे की एक्टिविटी की जानी चाहिए, जो भी आगे एक्शन होना है कार्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ 4 कैंडिडेट बैठ के आप डिसाइड कर लोगे कल हम ये करेंगे, तो देखिए उसमें पार्टिसिपेशन भी कम मिलेगा, और दूसरा कहीं ना कहीं वो हर चीज वो सही हो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसलिए जरूरी है कि पूरे काडर से पूछा जाए। अब बोलने वाले ये बोलेंगे कि मैम हम तो मीटिंग रखते हैं, मीटिंग में आया करो,
तो देखिए, हर एक कैंडिडेट के लिए मीटिंग में आना भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब आप मीटिंग रख लेते हो फाजिल का, एक कैंडिडेट जो कि पठानकोट से है, आप खुद बताइए पठानकोट से उस कैंडिडेट के लिए क्या इजी रहेगा कि वो फाजिल का आए। अब बोलने वाले ये भी बोलेंगे कि भाई जिसको जॉब की जरूरत है वो तो आएगा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे है कि जो कि दिन में कहीं मजदूरी करते हैं, कहीं काम करते हैं, और उसी के बेस पे शाम को उन्हें रोटियां नसीब होती है। अब आप बताइए वो कैंडिडेट आपके लिए मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं, उसे अपना काम भी तो देखना है। और वो अगर कैंडिडेट पठानकोट से फाजिल्का आएगा तो क्या वो ऐसे फ्री में आएगा? उसका खर्चा नहीं लगेगा। तो और ये चीज तो देखिए कहीं ना कहीं एक लास्ट ऑप्शन की तरह है, ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है कि आप इस तरह से कहीं मीटिंग रख रहे हो, मीटिंग में कैंडिडेट आ रहे हैं। आज के टाइम में जहाँ पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास इंटरनेट है, तो हम क्यों ना जो न्यू मॉडर्न जो टेक्निक्स है उसका यूज करें। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये हो सकता है कि पूरे काडर की मेजोरिटी जानने के लिए सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आज के टाइम में देखिए बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बहुत सारे टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं जिसमें हजारों की संख्या में कैंडिडेट ऐड है, ऑलमोस्ट कह सकती है पूरा का पूरा काडर ऐड है किसी ना किसी ग्रुप में। तो ग्रुप्स में पोल डाला जाए कि हम ये चीज सोच रहे हैं, तो बताइए आपको कौन सी चीज सही लग रही है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे डिसीजन लेंगे। सबसे बेस्ट तरीका ये है। और इसके अलावा अगर कोई बात भी रखनी है, अगर कैंडिडेट से सलाह भी लेनी है, तो आप जूम मीटिंग कीजिए। जूम मीटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे कहीं भी मीटिंग रखते हो तो वहां पे कितने कैंडिडेट आते हैं? 100, 150, 200 बस मैक्सिमम इतने कैंडिडेट। बट अगर आप जूम मीटिंग रखोगे तो कम से कम भी 1000-2000 कैंडिडेट होंगे जो कि बिल्कुल अपनी बात रख पाएंगे, अपनी बात कह पाएंगे। और जब मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट देखिए डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं वो फेवरेबल ही रहेगा। और सबसे अच्छी एडवांटेज तो देखिए इस चीज की ये रहेगी कि खुदा ना खास्ता कल को मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट जो डिसीजन ले वो काडर के लिए फेवरेबल ना हो। वैसे तो देखिए इसके बहुत कम चांस होते हैं कि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट कोई डिसीजन ले वो गलत हो, बहुत कम चांस है। कुछ कैंडिडेट गलत डिसीजन ले सकते हैं बट सभी कैंडिडेट गलत सोचे ये चीज पॉसिबल थोड़ी सी कम है। पर फिर भी हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिले, तो कम से कम हम किसी को ब्लेम तो नहीं करेंगे। कम से कम ये तो रहेगा कि चलिए हम सभी ने ये डिसाइड किया था और अब जो इसका जो रिजल्ट आया वो हम सभी एक साथ इस चीज को एग्री करेंगे, इस चीज के साथ फॉलो करेंगे। इसलिए जरूरी है कि चाहे कोई भी काम हो, चाहे काम 1 रुपए का हो, चाहे काम 1 लाख रुपए का हो, पूरे काडर की जो मेजोरिटी हो, जो पूरा काडर सर्वसहमति से एग्री करेगा वो चीज की जाए, वही एक्शन किया जाए, ताकि पूरा काडर को भी लगे कि हाँ हम जो बता रहे हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग चीज हो रही है और वो सही भी होगी, ये बिल्कुल जरूरी है। अब देखिए ये जो बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, हो सकता है कि काफी कैंडिडेट को ये एग्री भी हो इस बात से, उन्हें लगे कि हाँ ये सही है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो शायद इस बात से एग्री नहीं होंगे, जो डिसएग्री होंगे इस बात से। तो मेरी आप सभी से है एक रिक्वेस्ट कि आप सभी कमेंट जरूर कीजिए कि जो बात मैंने बोली है, अपने पूरे काडर के लिए जो बातें रखी है, वो आप उससे एग्री हो या डिसएग्री हो। अगर आप उससे डिसएग्री भी हो तो भी आप कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में साथ में ये भी जरूर बताइएगा कि आप डिसएग्री क्यों हो और उसका सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है, क्योंकि सोल्यूशन की जरूरत है इस टाइम हमें। हमें क्वेश्चन तो हमारे सामने बहुत सारे हैं, हमें आंसर की जरूरत है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझेंगे और एक मेजोरिटी ऑफ काडर को साथ लेके आगे काम किया जाएगा, जो अभी तक की जो कमियां रही है उन कमियों से ओवरकम किया जाएगा और आगे रिक्रूटमेंट को एक्चुअल में कंप्लीट करवाने के लिए काम किया जाएगा। और उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो भी कहीं ना कहीं आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।